प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है। ये बात बताने से पहले बजरंग दल वालों ने मुझे डंडों से ठोका है। प्यार निगाहों से होकर दिल में उतर जाता है, दो तीन बार ठोकरे खाकर तो गधा भी सुधर जाता है। अरे भाई भाई भाई, क्या गधे साबित हो गए हम तो। चलो कंटिन्यू। पता नहीं क्या एहसास है ये, तुम्हें मिलने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा। प्यार में पड़ी उस पापा की परी को 22 साल का नौजवान अपना बच्चा लगने लगा। आज प्यार करने वालों से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाने मैं हूँ यहाँ खड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट सुंदरलाल गड़ा गड़ा गड़ा। अबे ओए, यही गड़ेगा क्या? इधर आइयो। दुनिया में बहुत किस्म के प्यार करने वाले मिल जाएंगे आपको। एक तो वो जो बेचारे प्यार करना चाहते हैं लेकिन कुछ कमीने, नालायक और लिचड़ लोगों की वजह से कर नहीं पाते, जैसे कि वो। हे भगवान, मैं भी सिंगर्स क्लब से बाहर आना चाहता हूँ, रात को फोन पे बात करना चाहता हूँ, मैं भी किसी को एक्टिव के पीछे बिठा के ब्रेक मारना चाहता हूँ। आज सारा काम ढंग से करवा देना, मैं आपको 1 किलो नहीं 2 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगा। ओहो डिम्पी, आज तो कमाल लग रही हो। कोई वैलेंटाइन मिला या नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला। थैंक यू। भगवान, बूंदी के लड्डू पसंद नहीं थे तो पहले बताए थे, मैं काजू कतली चढ़ाया था, इस पनौती को भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे मैं मंदिर जा रहा था भगवान से दुआ मांगने, यार इस बार कोई लड़की मेरे पास मुझे प्रपोज करने मत भेजना, थक जाता हूँ यार मैं दिल तोड़ तोड़ के। वैसे तुम चलोगी मेरे साथ मंदिर? ये थे एक्चुअली दो टाइप के लोग। दूसरा वो जो ना तो प्यार करेगा और ना ही करने देगा। सर, टीआरपी के लिए बंदा सही लग रहा है। अच्छा, आइए फिर इसी से मिलवाते हैं आपको। तो सनी जी। हाँ जी। आप हमें ये बताइए कि आपकी सपनों की रानी कैसी होनी चाहिए? आप अपनी आइडियल वैलेंटाइन किसे कहेंगे? मेरी वैलेंटाइन बिल्कुल ऐसी हो जिसके बाल, जिसकी स्माइल एकदम डिम्पी की तरह। चलो मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ मंदिर के लिए। जिसकी आंखें और चाल एकदम प्रिया जैसी हो। एक्सक्यूज मी, आपका नाम प्रिया है? ऑब्वियसली सनी मेरी ही बात कर रहा है। गजब टोपीबाज आदमी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज, एक बार आया। तो सनी जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको क्या मिलता है अपने दोस्तों का खेल बिगाड़ के? अरे मैं कहाँ खेल बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो इन्हें महीनों के टॉर्चर से बचा रहा हूँ। मतलब इस महीने हर लड़की को एक वैलेंटाइन चाहिए ताकि इन्हें रोज डे पे कोई रोज दे सके। वैसे ये लोग मीठा नहीं खाती हैं लेकिन चॉकलेट डे पे इन्हें सबसे महंगे वाली चॉकलेट चाहिए, और टेडी डे पे इन्हें दुकान का सबसे बड़ा टेडी बियर चाहिए, लेकिन घंटी ले जा सकती, मम्मी पापा को शक हो जाएगा यार। और इतनी मशक्कत करने के बाद जब वो बेचारा लड़का इन्हें प्रपोज करता है तब ये बोल देते हैं आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। अरे ये कैसा प्यार है यार, मैं नहीं मानता इस सब में। वाह, तो ये थी हमारे सनी जी की सोच जो कहीं कहीं सही है। आइए अब तीसरे आते हैं वो लोग जिनको प्यार ने ऐसी उम्र में धोखा दे दिया है जिस उम्र में बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं, जैसे कि वो। देखिए आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी, क्या कमी क्या है मुझ में? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कुछ बोलोगे कि नहीं? नहीं। अब दोस्तों हमारे पास एक और प्रकार का बंदा भी है, उसको आप बेशरम बोल सकते हैं, ढीठ बोल सकते हैं, चिकना घड़ा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वो। ओए मेरी सेटिंग बन जाएगी, रोज बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। छी, शक्ल देखी है अपनी? तूने देखी है अपनी? तुझे कौन पसंद करेगा, हट पक। 3 थप्पड़ों से हार नहीं मानने वाला मैं। लेकिन थप्पड़ तो आपको उसने एक ही मारा, पहले भी 2 लड़कियां मार चुकी हैं। क्या डेडिकेशन है सर आपका। तो ये थे हमारे कुछ चुनिंदा आशिक। अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसे ही आशिकों की कहानियां हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 5689222222 पर। 11 हो गए? यस सर। तो 1-2 हटा दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि दो दोस्त अपने जिगरी के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, आइए इनसे इनका प्लान जानते हैं। तो राज जी, किस तरह आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं? जी वो बहुत शर्मीला है और गर्ल्स लोगों से ज्यादा कभी अप्रोच नहीं किया तो थोड़ा नर्वस हो रहा है। बस बस जी, आपका नाम? लकी। आपकी कोई वैलेंटाइन है या फिर आप भी इनकी तरह सिंगल हैं? एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं सिंगल हूँ? बेटा मुखड़ा, मुखड़ा सब बता देता है। हाँ तो लकी जी आप बताइए। जी मैं प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखता। क्यों? पहले तो धीरे बोल, और अगर दोबारा इतनी जोर से चिल्लाया ना तो इतना मारूंगा कि भिखारी भी भीख नहीं देगा। कुछ सुना सुना सा लग रहा है डायलॉग। खैर छोड़िए, आप बताइए आपको प्यार में विश्वास क्यों नहीं है? थर्ड स्टैंडर्ड में था
कोई कमी नहीं रखी थी उसको प्यार देने में, तब से गा रहा हूँ, दिल का दरिया बह ही गया। बेटा उसे सुसु कहते हैं। अबे साले, आइए हमारे तीसरे दोस्त से बात करते हैं जो कि 3 थप्पड़ खा चुके हैं लेकिन शक्ल देखकर लगता है हौसला अभी भी बुलंद है। जी बिल्कुल, और 3 नहीं अब आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। ओए माइक दूर रख। सॉरी सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरा मानना तो ये है कि सच्चा प्यार एक पतंग की तरह होता है, एक बार कटेगी दोबारा आएगी, यही मेरा सक्सेस मंत्र है। हाँ ठीक है, तुम माइक के लायक नहीं उतर दो। हाँ तो अब हम बात करते हैं मिस्टर भोलू, भोलू से। तो मिस्टर भोलू जी, आपकी पहली पहली डेट है, आपको कैसा लग रहा है? बताइए बताइए, शर्माइए मत, सब लोग जानना चाहते हैं। छोड़िए ना प्लीज। अबे समझ नहीं आ रहा, वो नहीं बताना चाह रहा, दिमाग की दही क्यों कर रहा है? आई एम सॉरी, वो बताना नहीं चाहते हैं। भाई चमेली का ही कॉल आ रहा है, उठा और बोल के मैं निकल गया। लेकिन भाई मैं तो यहाँ हूँ। अबे सनो सत्य मूर्ति, ऐसा उसे बताना है, और वैसे भी यहाँ पास में तो जाना है, बोल के मैं पहुँचने वाला हूँ। अभी तो तूने बोला कि निकल रहा हूँ, ऐसा बोल, अब तो बोल रहा है कि पहुँच गया। हे भगवान। अबे चोमू बता उसे कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तू भी आ जा। ठीक है। हेलो चमेली, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तुम भी आ जाओ। और सुन, कॉल मत कट कर दियो गलती से भी, और जो हम बोले वो ध्यान से सुनियो, और कुछ बात करनी हो तो वॉशरूम जाके पूछ लियो। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे लाइव कुछ ऐसे दोस्त जिनका अपनी लव लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने भोले भाले प्यारे से दोस्त की लव लाइफ कैसे सेटल करते हैं। क्या भोलू इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्या भोलू नाम का ताला चमेली नाम के दरवाजे में फिट हो पाएगा? क्या चमेली नाम की मछली भोलू नाम के मछुआरे के जाल में फंस जाएगी? क्या भोलू नाम का एस्पायरेंट चमेली नाम की UPSC एग्जाम को क्लियर कर पाएगा? अबे बस कर, पूरी कविता लिखेगा क्या इस पे? आई एम सॉरी अगेन। सुन, वो जिस सीट पे बैठने वाली है उसको पीछे कर, और प्लीज हैव अ सीट बोल के बैठने को बोल। ओके। प्लीज हैव अ सीट। क्या हुआ? वो गिर गई। अबे घोचू, चेयर पीछे करके आगे भी तो करनी थी, कुछ कॉमन सेंस ही लगा सकता था। किस गधे को भेज दिया यार डेट पे? अब उसकी कुछ तारीफ कर चल। चमेली ये लुक वेरी ब्यूटीफुल। नीचे पड़ी हुई है? नहीं नहीं। सो भोलू, व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज हॉबीज। ओए सुन, अपनी पढ़ाई के गाने बाद गाने लग जाइयो, कूल बन, वो बोल जो तू बिल्कुल नहीं करता। मैं डांस क्लास जाता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर शाम को दोस्तों के साथ चिल करने का शौक है, और रात को देर से घर आता हूँ। आपकी क्या हॉबीज है? यार मेरी तो ऐसी कोई खास हॉबीज नहीं है, सारा टाइम पढ़ाई में ही निकल जाता है। आई जस्ट लव स्टडीज एंड स्टूडियस पीपल। भाई ये तो उल्टा पड़ गया। राय इधर दे भाई, लड़की चाहे जैसी भी हो, खाने का सबको शौक होता है। भाई तू उससे पूछो क्या खाएगी, ऑर्डर कर ले। हाँ लेट मी सी, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? मुझे तो चाय। अबे ओए फैंसी कैफे में बैठा है, एस्प्रेसो बोल, एस्प्रेसो। चाय एस्प्रेसो? क्या एस्प्रेसो? एस्प्रेसो। तुम क्या लोगी? मैं तो चाय ही लूंगी। भैया एक एस्प्रेसो और एक चाय कर दो। चलो किसी का तो घर बसने वाला है अब। भाई ये सनी कहाँ है आज? पता नहीं, होगा कहीं। अब उसका नाम मत लो, मनुष्यत की लहरें आ जाती हैं। ओए लाइन पे है ना, इसे आई लव यू बोल और जल्दी सेटिंग बना अपनी, और प्रिया के बारे में बता दियो इसे, और नहीं भी छोड़ के भाग जाएगी। कौन प्रिया? हैं? चमेली? हाँ तुम कौन? राज? नहीं नहीं रॉन्ग नंबर बहन जी। अबे इस गधे ने चमेली को एयरपोर्ट पे दे दिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे भाई, और सुन बिल पे करना मत भूल जाइयो। बाय बाय। क्या भाई सनी? अबे यार। तो दोस्तों इस वैलेंटाइन डे के रुझान आने चालू हो चुके हैं, जिसका पहला विक्टिम बन चुका है हमारा प्यारा भोलू। पहले मैं इस साले की कमेंट्री बंद करके आता हूँ। तो दोस्तों प्यार मत करना, प्यार किया तो एतबार मत करना, एतबार भी कर लिया तो सालो बाहर में जाओ, सब कुछ मैं ही बताऊं। कोई मुझे उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। हाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो यार मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिन बाद आई है, एंड इवन यार
ट्रस्ट मी, मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 10 दिन बाद मेरे 11th के फाइनल एग्जाम्स हैं, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है यार थोड़ी सी। तो बस यही था कि तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली अब इस वीडियो के बाद लॉन्ग फॉर्म थोड़े टाइम बाद आएगी, थोड़े गैप के बाद, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी। तो आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। देखो मुझे तुम्हारा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि 11th के एग्जाम्स इजी नहीं होते, तुम्हें भी पता है। स्टे ट्यून्ड तब तक के लिए। बाकी अगर तुम लोगों को व्लॉग्स पसंद है तो हमारा एक चैनल है ग्रोवर्स हेयर, इस पर तुम जाकर व्लॉग्स देख सकते हो हमारी फैमिली के। मैं बनाता हूँ व्लॉग्स भी बनाता हूँ मैं, तो जाकर देख सकते हो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बिना मत जाना। बाय बाय।